हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अवर चैनल द कंप्यूटर स्पार्टर। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल चैनल द कंप्यूटर स्पार्टर में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गेम सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, दो वीडियोज़ बनाई हुई है कि आप किस तरह से गेम डेवलप कर सकते हैं, वो भी मोबाइल ऐप का यूज़ करके। जी हाँ, मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप मोबाइल फ़ोन से अपने छोटे मोटे गेम बना सकते हैं, 3D गेम बना सकते हैं, बहुत अच्छे काफ़ी अच्छे गेम बना सकते हैं। बट इस बार लोगों की कॉमेंट्स को देखकर मैंने इस बार जो फैसला लिया है कि आप बड़े गेम किस तरह से बना सकते हैं, मैं वही सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बड़े गेम बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप बड़े गेम बना सकते हैं। तो आप बड़े गेम बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बड़े गेम बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है। जी हाँ, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक अलग से चीज़ सीखनी पड़ेगी, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ सीखनी है और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप गेम बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से ले आखिर तक देखें, एक भी चीज़ मिस ना करें। अगर आप मेरी इस वीडियो पे आ गए हैं, न्यू आए हैं, तो आप प्लीज़ पहले पिछली वाली मेरी दो वीडियोस देख लें, उन पर मैंने मोबाइल से गेम डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, आप पहले वो समझें फिर उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तभी भी इस वीडियो को समझ सकते हैं, ये लैपटॉप का यूज़ करके, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप गेम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस वीडियो से भी शुरू कर सकते हैं। बट जो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनके काफ़ी अच्छा समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, आज जो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, करके क्या मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कि आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करके गेम बना सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल ओपन कीजिएगा, गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा यूनिटी यूनिटी गेम डेवलपमेंट डाउनलोड, ये टाइप करेंगे और आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। देखिए नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा unity3d.com, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। यूनिटी नाम का एक सॉफ्टवेयर है, यूनिटी नाम का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर लैपटॉप्स के लिए है और इसके द्वारा आप गेम बना सकते हैं, वो भी बड़े गेम बना सकते हैं, जितना चाहें आप उतना बड़ा गेम बना सकते हैं। बट आपको इसके लिए आप सीखना पड़ेगा, यूनिटी को सीखना पड़ेगा किस तरह से यूज़ करना है। यूनिटी सीखने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूनिटी के लिए आप सीधा यूनिटी के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स की, यूनिटी की, यूनिटी ट्यूटोरियल्स डालिएगा गूगल पे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा उसका रिजल्ट। देखिए इसको यहाँ पे चूज़ योर यूनिटी डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिएगा अपने लैपटॉप के लिए या कंप्यूटर के लिए जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये फ्री नहीं है, ये पैड सर्विसेज की, लेकिन ये आपको फ्री में भी प्रोवाइड हो जाएगा। ये देखिए बिजनेस में अगर आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो ये $35 आपको देने पड़ेंगे, बट अगर आप इंडिविजुअल पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको फ्रीली पर्सनली यूज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा और आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले इंडिविजुअली डाउनलोड करें और सीखें, सबसे पहले सीखें, सीखने के बाद जब आप सीख जाएं तो आप बिज़नेस वाला पेड वर्जन भी ले सकते हैं। बट आप सीखें और गेम के छोटे मोटे वर्जन बना के देखें और बनाते रहें, जब सीख जाएंगे आप एडवांस लेवल पर पहुँच जाएंगे तब आप इसका बिज़नेस पेड वर्जन भी ले सकते हैं। तो ये यूनिटी सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, एक्चुअली ये आप 3D गेम इससे बना सकते हैं यूनिटी सॉफ्टवेयर से। ये काम कैसे करेगा, काम इस तरह से करेगा कि इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट सब चीज़ें दी हुई हैं, कैरेक्टर्स सब कुछ, जो आप म्यूज़िक वगैरह डालना चाहते हैं वो भी अपने पास से डाल सकते हैं, और बाकी की चीज़ें जो जैसे हमें कोई पेड़ वगैरह डिज़ाइन करना है, कोई रेसिंग गेम बनाना है, कार वगैरह डिज़ाइन करनी है, और 3D में कोई वे रास्ता रोड वगैरह बनाना है, तो वो सब इसी में इनबिल्ट फंक्शन दिए होते हैं, इनबिल्ट कैरेक्टर दिए होते हैं, इनबिल्ट कंटेंट और जो उनके अपने जो टाइप्स होते हैं, आइकन्स वगैरह सब कुछ दिए होते हैं, वो आप उसमें वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेरी वीडियो अगर मैं बोलने में थोड़ा, मतलब आपको मेरी वॉइस क्लियर ना आ रही हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास माइक उतना अच्छा नहीं है जो अपनी मेरी वॉइस क्लियर आ सके, बट आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यूनिटी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड वाइड गेम जितने भी बड़े गेम बनाए जाते हैं वो सभी यूनिटी का यूज़ करके बनाए जाते हैं। और यूनिटी में अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले ट्यूटोरियल्स देखें इसके और सीखें, सीखने के बाद आप गेम डेवलपमेंट में कदम रखें। मैं आपको बताऊं कि यूट्यूब पे कमेंट में मिला बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम पबजी जैसा गेम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं, बड़े गेम बनाना चाहते हैं कैसे बनाएं। देखिए बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल सब कुछ है, बट उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग सीखनी ज़रूरी है। जैसा मेरी पिछली वीडियो में मैंने दो में बताया है, वो बहुत आसान तरीका था गेम बनाने का, बट इसमें के लिए आपको सीखना पड़ेगा और ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो इंटरेस्टिंग होगा इसके लिए, मैं इसकी पूरी सीरीज़ यूनिटी की पूरी सीरीज़ चालू कर दूँगा अपने चैनल पे और धीरे धीरे बनाते हुए
मैं ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह बना दूंगा आपको, ताकि आप सीख सकें और मैं आपको अच्छे से सिखा सकूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप बहुत ही आसानी के साथ सीखें, बट मैंने सिर्फ ओवरव्यू के लिए ये वीडियो बनाया, ताकि आप देखें कि आप बड़े गेम किस तरह से बना सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है बड़े गेम बनाने के लिए। तो ये वीडियो बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिले कि हाँ गेम किस तरह से बनाए जाते हैं और किन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। आप चैनल पर हमारे न्यू आ गए तो प्लीज़ सब्सक्राइब की भी ना मत जाएँ। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।